मैं हूं मनीषा चोला। वैश्यपान न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मधुबनी से हमारे रिपोर्टर रमेश कुमार को मिली जानकारी के मुताबिक लोकहा से 500 मीटर की दूरी पर NH 104 के किनारे किराना व्यवसायी गोपाल प्रसाद गुप्ता के घर रविवार की रात 12 से 1 के बीच हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। रात में लगभग 6 से 7 डकैतों ने घर के अंदर घुसकर लूटपाट करना शुरू कर दिया और वही घटना के बाद से ही पुलिस जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के भुआ बिछिया में जिला मंडला ने विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर कृषि उपज मंडी में समस्त हमाल तुलई और मजदूरों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंडी अध्यक्ष सुनील नामदेव मौजूद रहे। साथ ही जगदीश ठाकुर, दादूलाल झंगेला, रजजू ठाकुर और मंडी के सभी कर्मचारी सहित स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। झारखंड के धनबाद में जल्लाद पिता ने अपनी 3 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स ने अपने ससुराल में इस घटना को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक गोपाल को शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ नाजायज संबंध था और बेटी भी उसकी नहीं है, इसलिए उसने अपने ससुराल पहुंचकर घटना को अंजाम दिया। केंद्र सरकार वित्त वर्ष की मौजूदा अवधि में बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार वित्त वर्ष जनवरी में शुरू करके दिसंबर में समाप्त करना चाहती है। अभी सरकार का वित्त वर्ष अप्रैल में शुरू होकर मार्च में समाप्त होता है। वही सरकार अपनी योजना में धीरे धीरे बदलाव कर सकती है। बता दें इसकी शुरुआत अगले साल आम बजट से हो सकती है, जिसे एक महीने पहले जनवरी में पेश किया जा सकता है। रिलायंस जियो के आने के बाद भारतीय बाजार में 4G स्मार्टफोन की मांग तेजी से बढ़ी है, इसलिए कंपनियां भी अब सस्ते 4G हैंडसेट ला रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो अपने रिटेल ब्रांड के तहत 1500 रुपए के 4G हैंडसेट लाने की योजना पर काम कर रहा है। सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम 2 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया गया, जबकि राशन में बिकने वाला मिट्टी का तेल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। बता दें सरकार इन ईंधनों के दाम में छोटी छोटी वृद्धि कर इन पर सब्सिडी समाप्त करने की योजना पर विचार कर रही है। बता दें साथ ही दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1.87 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाकर 442.77 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने शहर में गड़बड़ी कर रहे पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ अभियान किया शुरू। शहर में पेट्रोल पंप उपभोक्ताओं को पेट्रोल डीजल देने में कोई गड़बड़ी नहीं करे, ये निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्री इमरान हुसैन ने जारी किए। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को गड़बड़ी करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए और पेट्रोल पंप को सील करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश STF ने अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर पेट्रोल पंपों में चिप के जरिए घटतौली के रैकेट का खुलासा किया है। दक्षिण कोरिया में तेल उत्खनन के लिए समुद्री प्लेटफॉर्म के निर्माण में लगे सैमसंग के कम से कम 6 कर्मचारियों की शिपयार्ड क्रेन दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी जियोजी बंदरगाह में पौध कारखाने में 2 क्रेनों के बीच टक्कर हो जाने से इस 60 मीटर लंबा और 32 टन वजनी क्रेन का हिस्सा टूट गया और नीचे कर्मचारियों के आरामगाह पर गिर गया और इस वजह से ये घटना घटी। आधार कार्ड का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पैन कार्ड के आवेदन से लेकर हवाई जहाज की टिकट तक इसे जरूरी बनाए जाने की तैयारी सरकार कर रही है। इससे पहले भी तमाम सरकारी योजनाओं को लेकर आधार को अनिवार्य बनाया जा चुका है। बता दें सरकार ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए भी पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार को जरूरी बनाने का फैसला किया है। वहीं सरकार ने लोगों को मौका दिया है कि वो 1 जुलाई तक हर हाल में अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ ले, वरना उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू बाजारों में अच्छी बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी में 0.25% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली है। निफ्टी 9,330 के आसपास रहा, जबकि सेंसेक्स 30,000 को पार करने में कामयाब हुआ। मेरे साथ खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया व्यापार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वैश्यपान न्यूज़।